हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये उड़ान सीरीज का वीडियो लेक्चर सेकंड है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2009 से लेकर 2022 का है और यह है स्पेशली साइंस से, ठीक है, विज्ञान का प्रश्न है, जिसमें डिस्कस करेंगे लेसन टू जिसका नाम है एसिड बेसिस सॉल्ट्स एंड, ठीक है, इसको कि अम्ल क्षार एवं लवण के नाम से जाना जाता है। आज का जो पहला प्रश्न है वो यह है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, विच सब्सटेंस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे जैसे एक पर क्या है, इसका जो आंसर करेक्ट क्या है, क्षार, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है, बेस है। तो बेस के साथ एक टर्म याद रखना है, वो क्या है सर, इसको ध्यान से सुनेंगे आप कि बेस जो होता है, बेस के लिए कंडीशन हम क्या बता दे रहे हैं, देखिए क्या ये बेस है, बेस का जो टेस्ट है बिटर होता है और ब्लू पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि नीला रंग के लिटमस पत्र रहेंगे उस पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका बेस का यानी कि क्षार का। लेकिन इसके बजाय अगर आपको रेड लिटमस पत्र दिया जाए तो उसको क्या कर देगा, ये नीला कर देगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है क्या, ठीक है। अगर सपोज कि एसिड का कंटेनर है, एसिड का कंटेनर नहीं लेकर क्या क्या इसमें डिजोल्व किया जा रहा है वाटर में, ठीक है, तो इससे कौन से आयन बाहर आएंगे, H प्लस आयन या OH माइनस आयन, आपको समझना क्या है, देखेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या बताया जाएगा आपको कि अम्ल से यानी कि एसिड में कौन सा आयन बाहर आते हैं, H प्लस आयन इसमें रिलीज होते हैं, ठीक। अगर यहीं पर बेस होता तो बेस की कंडीशन में क्या हो जाते, OH माइनस आयन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे जो पूछा जा रहा है, देंगे क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है कि विच एसिड इज फाउंड इन कर्ड। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दही, कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल के नाम से हम इसे जानते हैं। तो याद रखेंगे आप कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन आना कंपलसरी है। अगर इससे पहले एक और वीडियो लेक्चर अपलोड किया जा चुका है जिसमें कि हम लोग डिस्कस किए हैं लेसन वन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाए, इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया गया है उड़ान सीरीज करके, वहाँ से आप देख सकते हैं या इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है कि अम्लीय विलयन यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच मान क्या होगा। देखिए एसिडिक से हो सकता है, इस बार एसिडिक पूछा गया है, नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाए बेसिक। तो क्या होता है कि एक पीएच स्केल होगा, क्या है इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, पीएच स्केल है, ठीक। इसमें जो नंबर होता है एक होता है और मिडिल में सेवन और लास्ट में क्या होता है, ठीक है, 14 या 14 होते हैं। तो जिसमें कि अगर किसी भी पदार्थ या मटेरियल का वैल्यू दिया हुआ है, पीएच वैल्यू दिया हुआ है, सब कुछ पीएच वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे क्या 5 दिया हुआ है, तो क्या होगा कि जिसका 7 से कम आएगा वो एसिडिक हो जाएंगे और जिसमें 7 से ज़्यादा आएगा वो बेसिक हो जाएंगे, मतलब वो क्षारीय हो जाएंगे, और जिसमें 7 से कम आएगा वो अम्लीय हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन एक ये है कि अगर जिसका 7 आएगा वो क्या कहलाएंगे, तो जिसका 7 आएगा वो कहलाते हैं न्यूट्रल, क्या है, न्यूट्रल या उदासीन, जिसका 7 आएगा उदासीन कहलाते हैं। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, अम्लीय विलयन एसिडिक सॉल्यूशन का यानी कि 7 से कम होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हिंदी में विरंजक चून के नाम से जानते हैं, कि विरंजक चून का आपको क्या पूछा गया है, रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaOCl2, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे लिखने का तरीका है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जैसे कैसे लिखेंगे सर, कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं, CaOCl2, ठीक है,
इसको बारीकी से लिखेंगे इस तरह से नीचे लिखा जाएगा टू, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, नेचुरल सोर्स पूछा गया किसके बारे में, टार्टरिक एसिड के बारे में। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, इमली, ऑप्शन में हो सकता है अंगूर दे दिया जाए ऐसा कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, ये ऑप्शन डिपेंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उदासीन पीएच, देखिए क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है कि उदासीन पीएच का जो भी होता है उदासीन विलयन का न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो एग्जैक्ट सेवन होगा। ये सारे पीवाईक्यू प्रश्न है, पहले ही आपको बता दिया गया है पीवाईक्यू मतलब ये पिछले विगत वर्षों से पूछे जा रहे वाले प्रश्न हैं और सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया है उसी को इस संग्रह में लाया गया है ताकि आपको आसानी हो और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना हो। कोशिश किया जा रहा है कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि आपका एग्जाम और बेटर से बेटर वे में हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि जिप्सम क्या होता है, इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से क्या होता है, पहले तो आपसे पूछा गया जिप्सम क्या है, अगर इतना डिग्री पर गर्म करेंगे तो क्या होगा, कि व्हाट इज जिप्सम, व्हाट हैपन व्हेन जिप्सम, यहाँ पर क्या होगा जिप्सम होगा जी है, ठीक है याद रहेंगे, यहाँ पर जी होना चाहिए, सी लिखा गया है कि जिप्सम, इसको कट कर लेंगे, कि इज हीटेड टू 373 केल्विन, ये कब पूछा गया है 2019 का प्रश्न है, 2019 का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं इसको, आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, डाईहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होगा आपसे पूछा जाएगा, जिप्सम का फॉर्मूला बताएं, तो क्या बोलेंगे CaSO4 2H2O, क्या है CaSO4 2H2O होता है जिसका हम लोग जिप्सम के नाम से जानते हैं। अगर जिप्सम को क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, ठीक है, गर्म करने पर क्या बनाएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं, अगर ज़्यादा गर्म किया जाएगा उतने डिग्री सेल्सियस पे, एक केल्विन में दिया हुआ है, तो क्या बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला क्या है CaSO4 × 1/2 H2O, जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों नाम है इसका, लिसन केयरफुली, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, NaHCO3 को ही पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, इसको हीट करने पर क्या होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्या किया गया है, सोडियम कार्बोनेट को हीट किया गया, यहाँ पर एरो के ऊपर हीट लिखा रहेगा, ठीक है, एरो के ऊपर हीट लिख दिए जाएंगे और क्या बनेगा Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट और H2O साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेंगे। इस रिएक्शन को आप अंडरलाइन कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है समीकरण। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 10वां प्रश्न है, अम्ल एवं क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज, और एक एग्जाम्पल आपको देने हैं इसके बीच में जो रिएक्शन होगा उसे किस नाम से जानते हैं। तो देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के साथ क्या करते हैं रिएक्ट होते हैं, रिएक्शन ऐसा कहलाएगा जिसमें एसिड और बेस, एसिड रिएक्ट विथ बेस फॉर्म साल्ट प्लस वाटर, क्या साल्ट प्लस वाटर का निर्माण करेंगे, उस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पे, आपके पास दिया गया एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म सोडियम क्लोराइड NaCl, दैट इज फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, साधारण नमक का सूत्र है, इसका है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, और क्या बनते हैं H2O, यानी कि क्या बनता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनते हैं प्रोडक्ट आपका, साल्ट लवण प्लस जल, साल्ट प्लस वाटर का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये पूछा गया है, एक शीतल पेय है, देखिए पीएच वैल्यू के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू आपको क्या बताने हैं कि ये जो सॉल्यूशन है या ये जो जल है एसिडिक है, अम्लीय है या क्षारीय है, और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा नीला लिटमस पत्र पे या जो है रेड लिटमस पत्र पे, क्या इसका इफेक्ट पड़ेंगे। ये प्रश्न कब आया हुआ है सर, देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपको मिल रहा है कि 2013 में ये प्रश्न को पूछा गया है। तो इसका पीएच वैल्यू 4 है, इसका मतलब कि लेस देन कितना है, लेस देन 7 है सर, लेस देन 7 क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। इसलिए आप लिखा गया है कि ये पीएच 4 है इसलिए अम्लीय है, और जो अम्ल होता है वो क्या करता है ब्लू को चेंज करेंगे, किसमें, रेड में, ब्लू को किसमें चेंज कर देंगे, रेड कलर में चेंज कर देंगे। और अब जैसा कि देख पा रहे हैं रेड पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि साधारण लवण या जनरल साल्ट कॉमन साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट पूछ लिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, NaCl। यहाँ पर देखिए नाम में सूत्र दोनों बोला गया है, तो नाम सोडियम क्लोराइड होता है और फार्मूला होता है NaCl। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड। फिर से सुनेंगे, सोडियम क्या आप इस पहले से जानते थे या नहीं जानते थे, एक कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ रहा है जो स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, इसके दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, ए और एक है बी। देखेंगे एक कैसे तरह से क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है, समीकरण लिखें। ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है, जैक बोर्ड में ये पूछा गया, किस में, याद रखेंगे जैक बोर्ड में पूछा गया है। 10th के विद्यार्थियों के लिए ये रामबाण सीरीज साबित होने वाला है, जो अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको कहीं भी जाने और भटकने की जरूरत नहीं है, केवल आप PYQ करके चले जाएं और वहाँ पर देखेंगे कि सारा क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिल रहा है, सारा इसी से आ रहा है। क्या पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका रिएक्शन लिखना है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्या है, CaOH का होल ट्वाइस है। इसको क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन, ठीक है, फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यही लिखा हुआ है CaOCl2, क्योंकि यहाँ पर इन टू में है Cl तो दो हो जाएंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न से पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण पीने वाले जल के स्रोत में क्यों डाला जाता है, तो जो भी ड्रिंकिंग वाटर वाले रिसोर्स होते हैं उसमें इसको क्यों ऐड किया जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, ऐड करने का मतलब है कि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको क्या करता है, डेड यानी किल करता है, और सेकेंड पॉइंट वाटर को प्यूरीफाई करने का काम करता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्यों किया जाता है कि विरंजक चूर्ण जल को स्वच्छ बनाए रखते हैं और साथ में कीटाणु रहित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 जो आपसे पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखें, ये जैक 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी जस्ट फॉर्मूला बताए थे, ठीक है, आप देख लेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया है, दो उपयोग पूछा गया है आपसे, हो सकता है कि इस बार आपसे तीन उपयोग पूछ लिया जाए। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग किस में करते हैं, खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, या सतह को चिकना करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, और इसका विशेष उपयोग है हमारा मेडिसिन क्षेत्र में, जिसे कि डॉक्टर यूज करते हैं। यूज कौन करते हैं, डॉक्टर, और किस लिए करते हैं, कभी कभी किसी का फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डी का जो पोजीशन है वो चेंज होता है, बोन का पोजीशन चेंज होता है, तो सुविधा करने के लिए इसी प्लास्टर या इसी को लिक्विड बनाकर हम लोग लास्ट में उस पर लेप लगाते हैं व्हाइट कलर के, वही आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आज का अंतिम एवं लास्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 15, जिसका नाम है, पढ़ेंगे हम लोग कि धोवन सोडा का सूत्र क्या है, रासायनिक फार्मूला ऑफ, ठीक है, वाशिंग पाउडर का आपसे रासायनिक सूत्र पूछा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट Na2CO3 × 10H2O क्या है, जिसको डेका हाइड्रेट के नाम से हम लोग जानते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट स्पेशल ऐड किया गया है कि केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्वेश्चन। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो एसिड केवल बता रहे हैं, यहाँ पर आपको एसिड बताया जाएगा, आप बेस को क्या कर लेंगे, अब इसे लगा लेंगे अपने आप से। जैसे एसिड मतलब अम्ल को जो भी रासायनिक गुणधर्म है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, कि एसिड चेंज कलर लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड, किसको करते हैं, ब्लू को रेड करते हैं, ठीक है, और बेस ब्लू पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, जस्ट बताए थे हम, बीटर टेस्ट होते हैं,
नेक्स्ट है द कन्वर्टेड कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, येलो टू पिंक, क्या करते हैं येलो को पिंक कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या है, अगर येलो है तो उसको किस में चेंज कर देंगे, पिंक में करेंगे, कौन करते हैं, ठीक है, इनके किस के बारे में पढ़ रहे हैं, एसिड, ये सारे क्या है एसिड का ये बिहेवियर है। नेक्स्ट एसिड टर्न पिंक कलर ऑफ फेनोप्थिलीन, ठीक है, फेनोप्थिलीन कलर जो है इंडिकेटर, ये भी क्या है इसको कलरलेस कर देता है, क्या कलरलेस कर देते हैं। नेक्स्ट है कि एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सम एसिड आर हाईली कोरोसिव इन नेचर विच मीन्स डैट दे कोरोड द रस्ट मेटल्स, मैंने मेटल के साथ कंबाइन होते हैं रिएक्शन करके उसको कोरोजन की ओर ले जाएंगे। नेक्स्ट एसिड टेन टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस वाइल रिएक्टिंग, जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या निकलता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त होंगे। यहाँ पर बोला गया है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होंगे कब, जिसके जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। लास्ट पॉइंट आपके पास है कि दे प्रोड्यूस एच प्लस आयन, अब सर बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं तो ओ एच माइनस आयन, और एसिड क्या करते हैं एच प्लस आयन वेन मिक्स विथ वाटर, एसिड लूज देयर एसिडिटी वेन मिक्स विथ बेस। अब जब लास्ट प्रश्न है कि बेस के साथ, फिर से आप सुन लेंगे, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, या आप सर्च कर सकते हैं, क्या सर्च कर सकते हैं क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा, क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा, ये झारखंड का एक ऐसा संस्थान है जो आपको फ्री ऑफ कोर्स हर चीज़ मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखने हैं, कौन से प्रश्न आए हुए हैं, वो सारा आपको फ्री ऑफ कोर्स, किसी भी प्रकार का आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। और लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि अपने तैयारी को मजबूत बनाए रखें, ठीक है, और अपना पूरा फोकस, और डेली आपको पर डे वन वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैनल से, ठीक है। अगर आप पर्सनली किसी प्रकार का मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो आप जाएंगे किस पे, इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे सर्च करेंगे आप ही का चैनल का नाम है, यही सेम टू सेम है, क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा नाम करके एक पेज बनाया गया है, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मोटिवेशन के तौर पर एक आप क्या करना है, एक हार्ट दे, ठीक है, एक लाइक भी आपको देना है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।